हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 9 नवंबर है और मैं आज डिप्टी पे व्यू अपना लेके आया हूँ कि कल कैसा रहेगा। पॉजिटिव रहेगा, बाय सिग्नल रहेगा। कल के लिए मैं अभी से आपको बता दूँ, कोई इशू नहीं है। तो आपके पास बाय सिग्नल रहेगा और पॉजिटिव ही रहेगा डिप्टी। तो आप अभी भी देखेंगे चाहेंगे तो इस पर बाय सिग्नल की ओर जा सकते हैं। और मार्केट की बात करें तो मार्केट भी पॉजिटिव रहेगा। दो आपको क्या हो रहा है यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए डो जोन्स थोड़ा नेगेटिव दिखा रहा है। और अगर एस जी एक्स निफ्टी देख लें एक बार तो एस जी एक्स निफ्टी भी यहाँ पे थोड़ा निगेटिव ही दिखा रहा है। तो दोनों निगेटिव दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद आप पोजीशन थोड़ी कम बनाए। बट ये 10-600 का कॉल लेकर के आप अभी भी रह सकते हैं, मार्केट ऊपर जाएगा। और आपको रेंज अमाउंट में भले आपको थोड़ा थोड़ा अप डाउन दिखाए, बट अल्टीमेट टारगेट इसका 10-600, फिर 10-750 है, और फिर उसके बाद 10-700, 750, 800। तो 10-800 तक तो जाने की पूरी क्षमता है इसमें। एस जी एक्स निफ्टी निगेटिव दिखा रहा है, यहाँ डॉ जोन्स में फ्यूचर में देख रहे हैं तो ये निगेटिव दिखा रहा है। और जहाँ तक हम बात करें कॉमोडिटी की बात करें तो ब्रेंट क्रूड तो देखिए 70 के लेवल को तोड़ के आ रहा है, तो किसी भी पॉजिटिव है ये अपने लिए। और क्रूड अगर अपने डॉलर की रेट देखें तो ये 72-47 मिनट के स्ट्रांग रुपया हो रहा है। और सबसे अच्छी बात है जो सपोर्टिव नेचर है, आपको 70 के नीचे आ गया क्रूड। या आप अपने मेरे निफ्टी के किसी वीडियो में देख लीजिए, मैं हर समय बोलता था क्रूड को सेल करके चलना चाहिए। और आज देखिए आपको यहाँ पे फायदा हो गया, क्रूड आपको यहाँ पे 70 के नीचे आ गया और अब 69-70 के आसपास अभी चल रहा है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। आगे भी हम देखें तो ये आपको निफ्टी पे एक बार अपनी ओपनिंग ले लेते क्या होगा। निफ्टी पे देखेंगे तो आज 10585 पे क्लोजिंग दिया, 13 पॉइंट निगेटिव होने के बाद क्लोजिंग दिया। 28 एडवांसेस है, 22 डिक्लाइन है। और आज जो टॉप गेनर रहे वो यस बैंक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडिया बुल, अदानी पोर्ट और एशियन फंड। ये लोग 5-5, 5%, 10-3%, 3% से अप रहे ये अब गेनर में। और जो लूजर है उसमें भारतीय एयरटेल 2% लूजर, इन्फोसिस 2% लूजर, हिंडालको 2% और डॉक्टर रेड्डी 2% और गेल 1% लूजर के साथ यहाँ पे काम कर रहा है। अगर एफ आई डी आई की हम खरीद बिक्री को देखें कि टोटल एफ आई डी आई ने क्या खरीद बिक्री की है, तो आज दोनों साइड बाई साइड हुआ। आज देखेंगे तो एफ आई भी 614 करोड़ का बाई किया है और डी आई आज सेल किया है। डी आई आज सेल किया हुआ है और एफ आई ने बाई किया हुआ है। तो आज 337 करोड़ का डी आई ने डोमेस्टिक ने सेल किया, तो एफ आई बाइंग चालू हो गई। अगर एफ आई बाइंग चालू हो गई तो आपको ऐसे भी समझ लीजिए कि अब पॉजिटिवनेस चालू हो गई। तो आपको एफ आई ही अभी आपको जो होगा वो ऊपर की ओर लेके चला जाएगा और एफ आई अच्छा खासा आपको फायदा देगा आपको। तो चलिए एफ आई का हो गया, अभी हम एक बार निफ्टी को और देख लें क्या है। तो अगर इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स में देखेंगे आप तो निफ्टी इंडेक्स में निफ्टी 50 और जो जो भी देखेंगे आप यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कुछ जैसे कि ये देखिए मिड कैप 1 पॉइंट से है गेन, मिड कैप 50 में 1.21, स्मॉल कैप में गेन है। तो न्यूट्रल मतलब थोड़ा थोड़ा गेन करके मिड कैप अच्छा चल रहा था, स्मॉल कैप चल रहा था, बाकी न्यूट्रल चल रहा था। इस तरह बैंक सेक्टर अच्छा चला आज, ऑटो सेक्टर भी प्लग ग्रीन में रहा, फाइनेंस सर्विसेज में ही ग्रीन में रहा, एफएमसीजी आईटी टूटा है आज, मीडिया टूटा है, मीडिया प्लस में रहा, मेटल माइनस में है। सबसे अच्छा फार्मा चला और ऑटो चला। पीएसयू बैंक भी निगेटिव में रहा, प्राइवेट बैंक पॉजिटिव में रहा, रियल्टी सेक्टर निगेटिव में रहा। ये तो इंडेक्स की बात हो गई। अगर हम यहाँ पे निफ्टी 50 में देख लें तो आप देख लीजिए जैसे आपको वहाँ पे बताया गया 28 एडवांस है, डिक्लाइन 22 है। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा यस बैंक ने, यस बैंक में 11 पॉइंट का गेन दिया है, 5% का। हिंदुस्तान पेट्रोलियम 11 पॉइंट का गेन दिया है, 5 पॉइंट का। और इंडिया बुल 30 पॉइंट का। अगर हीरो मोटर कॉर्प देखें तो 71 वापस, हीरो मोटर कॉर्प में एक अच्छी बाइंग है और अच्छी सिग्नल है। और यहाँ से हो सकता है ये आपको आराम से 3200-3100 का लेवल दिखा सकता है। तो ये एक हीरो मोटर को आप अच्छा है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मारुति वापस एज इट इज आपको बोला गया था 200-300 क्रॉस कर रहा है, तो ये 8500 तक आपको बोला ही गया है। अभी रिसेंटली 7500 तक एक बार ये टच कर सकता है, 7500 आपको देखने को रिसेंटली मिल सकता है। आयुषी चूंकि आयुषी वगैरह में आप बाइंग कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी 120 से रिकमेंडेड था, अभी 141 हो गया, ये 105 का लो इसने बनाया था, उसके बाद तो बनाया नहीं इसने। आप इसमें आयुषी में देखेंगे तो उसके लिए 100-122 का था, 122-124 का, ठीक है। टेक में उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी आज बाइंग थी, यूपीएल में बाइंग थी, बजाज फिंजर में बाइंग थी, यहाँ पे देखेंगे बजाज फाइनेंस में बाई था,
और जो लूजर में थे उसमें आयसर मोटर ने आज थोड़ी वीकनेस दिखाई दी है। आयसर मोटर में, HDFC बैंक में थोड़ा वीकनेस है, रिलायंस में वीकनेस है, TCS में वीकनेस है, डॉक्टर रेड्डी। अब ये देखिए जो इंडेक्स के मेन हीरो हैं वो लोग थोड़े वीक थे, इसके लिए वोट चला नहीं। और एक्चुअल में क्या हुआ, जब FI बाइंग किया तो DI सोचा कि चलो हम प्रॉफिट बुकिंग कर ले, अभी तक तो बाइंग कर रहे थे तो और कुछ नहीं हुआ, थोड़े मोड़े प्रॉफिट बुकिंग चालू हुई। बट निफ्टी के चाल से मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो निफ्टी में देखिए बाइंग सिग्नल ऑलरेडी जनरेटेड है और ये बहुत ही अच्छा सिग्नल है। और बाइंग सिग्नल समझिए कि यहाँ पे भी देखेंगे, VI देखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा सिग्नल दे रहा है। तो दोनों में अगर देखो, यहाँ पे देखो, और भी अगर आपको कोई सिग्नल देखना है तो आप वो भी देख लीजिए, RSI भी देख लीजिए। तो RSI भी यहाँ पे ठीक है, पॉजिटिव भी बता रहा है और ओवर 52% पे है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर आपको और भी और आगे देखना सिग्नल तो MACD एक बार देख लेते हैं। MACD में आप MACD भी देख लीजिए, इसकी बाइंग सिग्नल है, तो बाइंग सिग्नल ही आपको जनरेट हो रही है। चाहे आप जहाँ पे भी देखिए बाइंग सिग्नल है, तो आपको पोजीशन बाय का ही बना करके चलना है, आपको सेल का पोजीशन बना करके नहीं चलना है। और अभी भी आप इसको हर डिप पे बाय करने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए डिप पे बाइंग करेंगे तो। और अगर आप देखिए यहाँ पे आज डेली पोजीशन पे चलते हैं हम, तो ये है आज का पोजीशन है 9:11 का, आप बाइंग तो कल ही बन चुका था। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा नीचे कल से, अगर यहाँ से लो देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10,491 का लो बनाया था, फिर 10,591 गया, 100 पॉइंट का लो बनाया, और आज थोड़ा सा इसने 50 पॉइंट के नीचे 547 का लो बना करके, बट जो 598 की क्लोजिंग दी थी इसने, वहीं पे जाकर के 585 का क्लोजिंग दे करके, छोटा सा माइनर सा करेक्शन दे करके, 13 पॉइंट का करेक्शन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा करेक्शन इसने दिया। तो इसे कोई भी सिग्नल ऐसी नहीं जनरेट हो गई कि इससे निगेटिव सिग्नल कोई जनरेट हो गई, कोई भी निगेटिव सिग्नल जनरेट नहीं है। और अगर मैं बोलूँ तो अब इसका अगर हम वीकली देखें, डेमा देखें, तो ऑलरेडी इसको 10,479 10,480 पे अच्छा खासा इसको सपोर्ट मिला हुआ है, और इसका जो पहला रेसिस्टेंस है 10,694 का है। तो आप 10,694 है मतलब कि आराम से ये जाएगा, तो 10,650 और 10,694, तो 10,700 आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद 10,800 है, 100 दिन का डेमा है, तो ये सब क्रॉस हो जाएगा तो आपको बहुत ही अच्छा दिखेगा आपको। और मेरे अंदाज से इस महीने की क्लोजिंग जो होगी 10,800 के राउंड में होगी। तो आप अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी रखें, बाइंग पोजिशन बना के चलें, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। और वापस मैं अगर एक बार इंडेक्स को इसको देख लूँ, परफॉर्मेंस को, यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, तो हो सकता है कल मार्केट वापस आपको न्यूट्रल की ओर दिखा दे, अगर ये कोई रिकवरी नहीं आई इसमें तो हो सकता है वापस मार्केट मंडे, लेकिन ये मंडे है आपका अपना मार्केट, तो मंडे अप रहेगा, मंडे अपने मार्केट अप रहेगा, क्योंकि ये मंडे तक ठीक है, इसके इम्पैक्ट को इग्नोर कर देगा। और चूंकि ये कॉमोडिटी में अच्छी खासी गिरावट आई है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, रुपये में भी गिरावट आ रही है, तो यहाँ से भी हमको दिख रहा है, तो मंडे मार्केट अप होने के पूरे चांसेस हैं। तो मंडे आपको अगर मार्केट अप मिलता है तो हो सकता है कि मंडे आपको 10,585 है, तो इसका जो रेसिस्टेंस बार बार ये फॉल कर रहा है, 10,600 जा करके फॉल, और यहाँ पे भी अगर कॉल पुट पे देखें तो कॉल पुट पे भी देखेंगे 10,600 पे अगर देखें जो ATM है, एट द मनी है, तो आप देखेंगे 20 लाख की पोजीशन ओपन है यहाँ पे कॉल साइड में, और पुट साइड में देखें तो 14 लाख की है, तो कॉल साइड में ज़्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से जो पोजीशन उठ के जा रहा है, 10,500 से जो उठ के जा रहा है, 10,600 से, वो आप 2,01,000 का पोजीशन बन रहा है 10,700 पे और ऐड हो रहा है, और 2,56,000 का 10,800 पे ऐड हो रहा है। तो आप देखेंगे फर्दर ये एडिशन चल रही है कॉल साइड में, उतनी एडिशन आपको पुट साइड में नहीं है। तो लोग जो है अब अनवाइंड कर रहे हैं यहाँ से 10,600 से भी अनवाइंड कर रहे हैं और ऊपर की ओर पोजिशन बना रहे हैं, 10,650 10,700 पे पोजिशन बना रहा है। तो अब देखिए 26 लाख का पोजिशन ओपन इंटरेस्ट ओपन है 10,700 पे, तो लोग अब अपर साइड जा रहे हैं। और देखेंगे आप 10,11,000 पे भी 3,14,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है और 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट, टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। तो अब कहीं पे भी देखिए यहाँ से भी जो सिग्नल दे रही है अपवर्ड की सिग्नल पता चल रहा है कि अपवर्ड की ओर जाएगा, और यहाँ पे अब 10,200 पे अनवाइंडिंग चालू हो गया, 1 लाख अनवाइंड चल रहा है, 10,350 पे अनवाइंड चल रहा है, अब 10,500 पे एडिशन चल रहा है। तो अब 10,500 जो होगा आपका सपोर्ट लेवल हो जाएगा, जैसा वहाँ पे भी आपको देखने को मिला 10,484 है, तो 10,500 जो हो जाएगा वो आपका सपोर्ट लेवल हो जाएगा। और अब यहाँ भी इससे ब्रेक करना मुश्किल है, थोड़ा टफ है, और अब ये अपवर्ड साइड जाएगा तो आपको ठीक है, आप 10, इसलिए मैंने आपको 10,600 का कॉल अभी भी आपके पास अगर पड़ा है 10,600 का कॉल, या पोजीशन फर्दर पेपर ट्रेडिंग के लिए करना चाहते हैं, अभी भी आप 10,600 का कॉल को 155 में बाय करें, अच्छा पोजीशन मिलेगा आपको,
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, और 10800 के पास जाएगा तो यहाँ पे आपको 200 पॉइंट ऊपर नीचे तो 293 300 के आसपास इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ से डबल होने की पूरी वैल्यू हो सकती है। तो आप अभी भी पोजीशन बनाएं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद बनाएं। ये सारे एडवाइस जो भी थे मेरे कि बाइंग जाएगी और अप जाएगा, ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, पेपर ट्रेडिंग करें और 10600 का कॉल 155 पे लेके पोजीशन में बनाएं, देखिए क्या फ़ायदा होता है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे हुए दिए बटन को सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेते आएंगे। रिसेंटली मैंने पीसी ज्वेलर्स के वीडियो दिया है और मल्टीबैगर स्टॉक दिया है, दीपावली स्टॉक दिया है, तो अगर आप उसको देखते हैं तो आपको फायदा होगा। धन्यवाद।